उसने डर के मारे बादशाह की बेटी से शादी कर ली। विवाह की पहली रात ही बदौरा ने अवनी देश के बादशाह अशम्स की बेटी को सब सच बता दिया। उसके बाद पुरुष के भेष में बदौरा ने कहा कि अब तुम चाहे तो मुझे प्राण दंड दिलवा दो या छोड़ दो, सब कुछ तुम पर निर्भर करता है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि जब कभी भी मेरे पति लौटेंगे मैं तुम्हारा विवाह उनसे करवा दूंगी, फिर हम तीनों खुशी खुशी रहेंगे। बादशाह अशम्स की बेटी ने उसे तुरंत गले से लगा लिया और कहा कि मैं आपके साहस की तारीफ करती हूँ, आप यहाँ आराम से रहिए और हमारी सेना की मदद से अपने पति को ढूंढती रहिए, मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूँगी। वहाँ कमरुजमा अपनी पत्नी बदौरा की याद में तड़प रहा था। इंतजार करते करते वो दिन आ ही गया जब जहाज वहाँ से अवनी राज्य के लिए रवाना होने वाला था। उसी दिन एक पक्षी ने कुछ सुनहरी सी चीज उस बगीचे में गिरा दी। जब कमरुजमा ने देखा तो पता चला कि वो वही यंत्र है जिसका पीछा करते करते वो रास्ता भटक गया था। कमरुजमा बहुत खुश हुआ, उसने उस यंत्र को एक मटके में डाल दिया और माली ने उसे करीब 10-20 मटके में जैतून का तेल भरकर तोहफे के रूप दे दिया। तभी जहाज को चलाने वाला व्यक्ति माली के घर आया और कहा कि जिसे भी जहाज से जाना है जल्दी चले आना, क्योंकि हम कुछ देर में चले जाएंगे।